जिनकी तबीयत अभी ठीक नहीं रही तो घर से रहने का, मेरी भी तबीयत नहीं रही तो मैं घर से ही पढ़ाता हूँ। नींद बराबर लेना, ज्यादा गेम वेम नहीं खेलने का। चलो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा मैंने बताया कि कोई भी इमेज हम लोग जब ओपन करते हैं, लाइक यहाँ से जाएंगे ओपन करेंगे, तो तुमको थोड़ा सा वो मोबाइल वोबाइल में लेक्चर्स वगैरह देखना शुरू कर दो। तो जब हम लोग कोई इमेजेस ओपन करते हैं लाइक दिस ऑल्सो, तो अगर ये कैरेक्टर को मुझे सिलेक्ट करना है, इस बैकग्राउंड से अलग करना है, तो मेरे पास ऑप्शन है। यहाँ पे जाओ, कोई भी टूल लो, एनी टूल, और यहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे, तो जैसे सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं तो कैरेक्टर सिलेक्ट हो जाता है। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि वो कैलकुलेट करता है। किया, अपने आप कर रहा है। पहले क्या करना पड़ता है, ये टूल्स यूज करने पड़ते थे, तो अभी वो करने की जरूरत नहीं है, तो हो गया, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट डू अ मास्क, मास्क मतलब गायब करना, तो जो है वो दिखेगा। जो ये, इसको मार्चिंग एंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये दिखेगा। अगर आपको ये देखना है कि ये प्रीव्यू में कैसे दिखता है बैकग्राउंड गायब होने के बाद, तो आप कहाँ जाएंगे, सिलेक्ट एंड क्लिक कर, आ गया। ये प्रीव्यू करने के लिए, नथिंग एल्स। तो जैसे हम लोग प्रीव्यू में जाते हैं, देखो वो थोड़ा सा डार्कर हो गया, ठीक रहा है, दैट मीन्स ये गायब होगा। या आप यहां पे जाके इसके अलग अलग वर्जन देख सकते हैं कैसे गायब हो रहा है। दिस बॉक्सेस मीन्स ट्रांसपेरेंसी, ये बॉक्सेस मतलब क्या होता है, ओनियन स्किन दिया है, एक एक लेयर निकालते हैं हम लोग ओनियन की, तो नीचे की लेयर दिखती है। सेम लाइक यहाँ पे ये ओनियन स्किन दिखा रहा है। ये देखो मार्चिंग एंट्स, जैसा मैंने बताया था, ओवरले मतलब लाल कलर आएगा, अभी एक्चुअली पीछे येलो कलर है, उसकी वजह से लाल कलर दिखाई नहीं दे रहा है। ब्लैक अभी दिखाई दे रहा है क्लियर कट, कि हमारा जो सिलेक्शन है वो कैसा रहेगा। कंट्रोल प्लस से क्या करते हैं, ये याद हो जाना चाहिए, राइट। कंट्रोल माइनस से क्या करेंगे, स्पेस बार से क्या होता है, देखो स्पेस बार, इसे अच्छा सिलेक्शन हुआ। अगर नहीं भी हुआ रहेगा, सो जस्ट यहां पे देखो एक रिफाइन हेयर नाम का टूल है। अभी ये रिफाइन हेयर टूल सिर्फ बालों पे चलता है, ऐसा कुछ नहीं, ये ग्रास पे भी चल सकता है। देखो ग्रास भी क्या है, हेयर जैसा ही स्ट्रक्चर है। क्लाउड पे भी चल सकता है, क्योंकि क्लाउड्स में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि जहां पे अभी वो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे नहीं पता, भी क्लाउड के लिए चलता है नहीं चलता, चलता ही है। जहां पे भी ऐसी चीज है कि जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो, वहां सब जगह चल सकता है। फर हो, ये सब जगह चल सकता है, पर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नहीं यूज करके देखना पड़ेगा। तो हमको 50-100 इमेजेस ऐसे भी निकालनी पड़ेंगी जहां पे चलता है कि नहीं, देखना पड़ेगा। तो नाउ ये ऑन ब्लैक है, देखो ये 100% ऑपेसिटी है, बाय डिफॉल्ट तुम्हारे यहाँ 50% रहेगा। इसको बीच में लाके रखो, ये देखो दिख रहा है, सो यू कैन सी 0%, ये पूरा दिखेगा जैसा था बैकग्राउंड। पर हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा अलग अलग बैकग्राउंड्स पे चेक करते, देखो व्हाइट बैकग्राउंड पे ऐसा दिखेगा, ब्लैक बैकग्राउंड, देखो मास्क ये दिख रहा है, तो ब्लैक मतलब गायब हो गया, व्हाइट मतलब दिख रहा है, क्लियर कट, नहीं, हाँ, कंट्रोल प्लस जूम, ये देखो पैन करो यहां से, ये दिख रहा है, अच्छे बाल बढ़िया लिया इसने, है ना, रिफाइन हेयर दबाया था क्या हमने, नहीं। एक ऑप्शन और है कि ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, बैकग्राउंड अलग है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट अवेयर लिया, इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा कलर अवेयर होता है। ये देखो, ये कभी कभी नहीं क्या, बहुत अभी यहाँ पे नहीं है, मैं दूसरे इसमें करके दिखाता हूँ तुमको, ये बहुत शार्पन होता है, तो अभी यहाँ पे तो ठीक ठाक आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई और सिलेक्शन होते, ये स्मूथ ही चाहिए, शार्प ही चाहिए, जैसा है वैसा ही अपने आप आया, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये इसके बालों पे देखोगे तो येलोइश थोड़ा सा टिंज आया, बिकॉज लाइट बैकग्राउंड पे पड़ा, देन बैकग्राउंड से येलो लाइट इसके बॉडी पे वगैरह आ रहा है, जो अपने को दिखाई भी दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखो एक ऑप्शन है डी कंटेमिनेट, उसको क्या करो, इसके हेयर भी, ये सॉरी देखो ये अभी क्या एड
एड सिलेक्शन मोड में दिख रहा है, प्लस मतलब सिलेक्शन एड होगा, माइनस करेंगे तो देखो माइनस हुआ क्या, नहीं हुआ क्या, बात कर रहे हो, सॉरी ये ऑप्शन ऑन है, जस्ट ब्रश टूल लो, एड हुआ, और अगर ऑल्ट दबाते, क्या दबाते, हुआ माइनस, वो स्लो चल रहा है, बड़ी इमेज है, देखो ब्रैकेट से, ओनली ब्रैकेट, पी के ऊपर के जो बाजू के ब्रैकेट है उससे हम लोग उसका ब्रश का साइज क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा, अगर ये वापस से फिल करना है, देखो ध्यान से ऊपर जाओ, यहां पे देखो ब्लैक एंड व्हाइट करो, देखो ब्लैक है, ट्रांसपेरेंट हो गया, ये सिर्फ व्यू है मतलब देखने के लिए, अगर वापस से हमको जैसा चाहिए था वैसा चाहिए तो देखो प्लस साइन है, आप माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, हो गया माइनस, ब्रश कैसा चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, हार्डनेस चाहिए, देखो हार्डनेस 100% किया तो शार्प आएगा, प्लस करना है तो वापस से उसी के ऊपर क्या कर दिया, राइट, ये ट्रांसपेरेंट होता है, जब ब्लैक करेंगे तो ट्रांसपेरेंट, और यहां से मैं थोड़ा सा अपना ये वाला पोर्शन भी, सॉरी कंट्रोल जेड, क्या होता है कंट्रोल जेड से अंडू होता है, राइट, अभी क्लियर है किसी भी चीज को, तो यू कैन डू स्मूथ, यहां पे स्मूथ बढ़ा रहा हूं, कुछ फर्क दिख रहा है क्या, देखो एजेस में पर्टिकुलरली, फिर भी यहां पे थोड़ा कम ही दिखाई देगा, फर्क दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तुम दोनों को दिख रहा है, चश्मा लगा के हो ना इसलिए पूछा, ना अगर मैंने इसको जीरो किया शार्प हो गया क्या वापस से, मैं बहुत ज्यादा बड़ा था, अभी थोड़ा टाइम लगता है उसको अपडेट होने के लिए, 250 पिक्सल, ये देखो अभी बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया, हल्का स्मूथ करते 2-3 पिक्सल करते, बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, बहुत ये भी बहुत ज्यादा हो गया, एक्चुअली कितना होना चाहिए, टाइप करोगे वैल्यू तो भी चलेगा, यहां से 0.2, 0.2, 0.1 नहीं हो रहा क्या, कि मेरा नम लॉक ऑफ है, नहीं हो रहा ना, प्रॉब्लम हो रहा है, चलती है, तो ये स्मूथ करता है, मैं तुमको करके भी दिखाता हूं, मैंने फेदर ऑप्शन है, फेदर ऑप्शन विल सी लेटर ऑन, और देन ओके कर दो, तो सिलेक्शन तो तुम्हारा हो जाएगा, क्या हट गया क्या सिलेक्शन, लग रहा है ऐसे, चलो कोई बात नहीं, सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लो वापस से, एंड डुप्लीकेट भी हो गई, मैंने की थी डुप्लीकेट, नहीं कुछ तो गड़बड़े थे, डिलीट करो राइट क्लिक करके लेयर को, सिलेक्ट एंड मास्क में गए, एंड अगेन क्या करोगे, रिफाइन हेयर कर दो, एक बार अपने आप ही करेगा, एआई है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, एंड देन प्रेस ओके, राइट, ओके करने के बाद आपको कुछ ज्यादा करना नहीं, जस्ट प्रेस मास्क, अरे उधर से चेयर लेके इधर ले, प्रेस मास्क, हो गया मास्किंग, काफी अच्छा हुआ, काफी अच्छा हुआ, राइट, तो क्या करना है हमको,
इसके पीछे बैकग्राउंड डालना है या इसको किसी के बैकग्राउंड में डालना है, तो आपको क्या करना है, ये मूव टूल लेना है। सी दिस मूव टूल, सामने आ जा, मूव टूल देखो। क्या करेंगे हम लोग, ये बहुत बड़ा नाम है, दिख रहा है इतना बड़ा नाम है, उसकी वजह से मैं बाकी कुछ नहीं देख पा रहा हूं। तो यहां जाओ, कहा ये देखो दूसरा फाइल है, यहां से क्या करेंगे इसको उठाएंगे, उठाया कहा जाएंगे, यहां क्या करेंगे ड्रॉप करेंगे, मूव टूल, कौन सा टूल, और नहीं समझ में आता है कभी कभी, तो यहां जाने का, वापस से कंट्रोल क्लिक करो, क्या करोगे कंट्रोल क्लिक से क्या होता है, मास्क के ऊपर अगर कंट्रोल क्लिक करते हैं, लेयर के ऊपर करते हैं, आ गया, ये सिलेक्शन हो गया, देखो क्या करोगे कंट्रोल सी, और यहां जाके क्या करोगे कंट्रोल, ओ मास्क हो गया, ऑन नहीं किया गया, ऑन क्यों किया, आ गया, और जाओ यहां पे, एडिट क्या करोगे, यहां जाके एडिट, तुमको क्या चाहिए वो कर सकते। मेरा जनरल सजेशन ऐसा रहता है कि यहां से मास्क के साथ ही उधर लेके आओ, कैसे लेके आओ, ये मास्क के साथ, देखो ये लिंक है, इसको बोलते हैं हम लोग, तो ये लिंक के साथ ही इधर लेके आओ, उठा के शिफ्ट दबाओ, क्या दबाओगे शिफ्ट दबाने से एग्जैक्ट सेंटर में आएगा, या वहां पे जहां भी रहेगा ये वाली फाइल में, वो जहां पे भी रहेगा एग्जैक्टली उसी पोजीशन में यहां पे आएगा, आ गया क्या। नाउ दो लेयर हो गई, एक और ये लेयर है ही हमारे पास, इसका नाम है बैकग्राउंड लेयर, जिसको लॉक किया है, बाय डिफॉल्ट कोई भी इमेज ओपन करते तो वो लॉक होती है। अगेन अभी इसके बाल जरा डेंजर है ना, तो क्या करेंगे, एक मिनट, वो लड़का है ना अभी आपको लेके आया, हाँ उसको सुनाई नहीं देता, ये तो आपको लगे वो उसको सुनाई नहीं देता, वो बात कर रहे हैं तो बंदे को सुनाई नहीं देता, ठीक है। तो चले ये मैं डिलीट कर देता हूँ, आई डोंट नीड मल्टीपल लेयर्स, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, हाँ शिफ्ट दबाया तो जहां पे वो जगह पे रहेगा सेम जगह पे दूसरी फाइल में आएगा, यहां में भी रखवा। अगेन इसका मतलब नहीं रहा तो ये फाइल को बंद कर देता हूं, अपना काम खत्म हो गया ना, इधर लेके आए मतलब, ये देखो बड़ा सा नाम है, तो जब भी आपके पास रेफरेंसेस आ जाते हैं ना, आपके पास रेफरेंसेस जब आ जाते हैं तो आप क्या करोगे, नाम चेंज करोगे, बहुत बड़ा नाम है ये, देखो खुद ही देखो, मैंने नहीं देखा किसी का नाम इतना बड़ा, देखो कितना बड़ा नाम है, ये उनके सर्चिंग के लिए होता है, और भी बड़ा नाम है एक्चुअली, बहुत बड़ा नाम है, देखो ये वॉल तक है, येलो वॉल दिख रहा है, तो क्या करोगे इसको, F2 मारोगे, F2 से क्या होता है बाकी सब हटाओ, कंट्रोल ए मारो और इसको लिखो मॉडल पॉइंटिंग अपने हिसाब से, क्योंकि हम लोग गूगल में अपने ऑफ कंप्यूटर में सर्च करते हो, हाइफन डाल के सर्च नहीं करते, करते क्या कि स्पेस डाल के सर्च करते हो, स्पेस डाल के, हमारे इसमें तो हम लोग स्पेस डाल के करते हैं, तो अपन वैसा रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना उस चीज के ऊपर। तो जैसे अभी मैं इसको बंद करूं, क्लोज, देखो अभी मैं इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप में, ड्रैग एंड ड्रॉप ज्यादा करता हूं तो इसलिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं, तुमको अगर ओपन करना है तो यू कैन ओपन, जैसा भी करना है उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, ओपन कैसे करते इससे कोई फर्क नहीं। तो ये लड़की को सिलेक्ट किया, ये ईमेल, अभी कैसा होता है कभी कभी जब मैं काम करता हूं तो मैं हमेशा ओरिजिनल को इंटैक्ट रखता हूं, इसका मतलब क्या है, ये फाइल जैसी है वैसे ही रखूंगा, कंट्रोल जे क्या होता है उससे डुप्लीकेट, क्या होता है किसी भी लेयर को डुप्लीकेट करना हो तो सिलेक्ट करो वो लेयर को और कंट्रोल जे करो, या उठाओ
ये नीचे दिख रहा है पॉइंट, क्या ये नई लेयर को क्रिएट करने के लिए, नई लेयर को, ब्लैंक होती है नई लेयर। ये डब्बे डब्बे मतलब हमेशा याद रखना, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उठाया इस लेयर को सिंपल और ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई, इसको सिलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया, आई डोंट नीड दैट ब्लैंक लेयर। इसकी एक कॉपी इंटैक्ट रखी, इसको लिखा पॉइंटिंग डाउन वर्ड्स, कुछ लिख लिया, ठीक है। तुम्हारे स्पेलिंग अभिषेक, पिछली बार वो एक डिजाइन डाला था, डिस्काउंट का स्पेलिंग गलत लिखा था, तो अगर हमारा ऐसा कोई स्पेलिंग वेलिंग का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले क्या करो, कुछ नहीं करो, तुम इस पाले स्पेलिंग कैसे गलत होगा, गूगल वाले स्पेलिंग गलत करेंगे क्या? देखो मैं क्या करने के लिए बोलता हूँ, यहां जाओ, कहा यहां, कहा जाओगे, याद रखना ग्रामरली इंस्टॉल कर लेना, इसका एक एक्सटेंशन होता है, मैं खुद भी यूज करता हूं। सो ग्रामरली में जाना, ग्रामरली में क्यों जाना, क्योंकि क्लाइंट के सामने स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ही डेंजरस काम है, तो अगर वो हमने गलती से कर लिया तो ऐसा लगेगा अनप्रोफेशनल काम कर रहे, ये लोगों को स्पेलिंग नहीं आता तो कैसे हम इनको काम दें, उसका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर से हट जाता है। ग्रामरली का खासियत ये होता है कि मैं जैसे ओ गलत हो गया, वो कहीं चला गया वो, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 9 डॉट्स होते दिख रहे, इसमें से जीमेल ले लिया, ठीक है। तो मैं कंपोज में जाता हूं, देखो यहां पे ग्रामरली मेरे एक्सटेंशन में ऐड किया हुआ दिख रहा है, तो अगर मैं कुछ गलत भी लिख लेता हूं तो वो वहीं पे करेक्ट कर देता, वैसे ये भी खुद मैसेज दिखा देता है, कुछ भी उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, ऐसा कुछ डाल दिया एंड देन कुछ किया तो वो अपने आप चेक भी कर देता है, तो वो बराबर अपना अभी नहीं दिखा रहा है पर दिखा देगा, ये डॉट दिख रहा है ना, ये अभी चेक करना चालू कर दे, दिख रहा है, दिखा रहा है क्या बोल रहा है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर नहीं जमता है तो ग्रामरली का ये भी नहीं ओपन किया, तो ग्रामरली का खुद का भी क्या है, एक पोर्टल है, इसको डिलीट कर देता है, मुझे पानी नहीं चाहिए, और कोई अपने को पानी पिला भी नहीं सकता ना, हाँ अपने को कोई पानी नहीं पिला सकता, अपन लोगों को पानी पिलाते हैं। तो यहाँ पे खुद के उसके वर्जन में भी जाके अगर तुमने कर लिया तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, डोंट नीड एनीथिंग, कर लो। मैंने तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक खुद का जीमेल आईडी बनाओ और उसमें ही ये सब कुछ यूज करो, मैं हमेशा यही करता हूं, तो मुझे बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। एक मिनट एक पास करता हूं, परसेंट 10% क्या करोगे, बहुत सारा कचरा जम गया, कंट्रोल ए मारो और शिफ्ट डिलीट मार दो। जब तुम फोटोशॉप यूज करते हो तो इधर बहुत सारा कचरा, ये तो 4 GB का है, 3.5 GB का, 20-25 GB तक का होता है, जब तुम फाइल्स पे काम करते हो फोटोशॉप की वेरियस, तो इसको हमेशा क्लीन करते रहना। दूसरी बात, कचरा सॉफ्टवेयर डालना नहीं, गेम वगैरह वगैरह तो सब अरे डालते ना हम लोग गांव भर के, डाल देंगे नहीं डालते, बहुत ही अच्छा है, पर अगर डालोगे तो यहां से जाके वो रिमूव कर देना, क्यों, बिकॉज अगर तुम ये नहीं करोगे, ठीक है यहाँ पे मेरे पास सॉफ्टवेयर डालने थे करके मैंने डाल दिया, वैसे मैंने अनइंस्टॉल करने चाहिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर, नहीं करिए होंगे पर कर दो, है ना, जो तुम्हारे काम के सॉफ्टवेयर है नहीं है वो सब निकाल दो, तुमको कोई जरूरत नहीं उस सॉफ्टवेयर की, यू अंडरस्टैंड, कोई गेम वेम नहीं डालने का, अपने इसमें गेम डालोगे तो आगे जाके तुमको प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे जो लगते वही सॉफ्टवेयर में पुटअप करता, इज इट क्लियर सभी को, कोई डाउट।
है ना, ये एक्स्ट्रा चीजें इसलिए बताता हूँ कि फिर अपने को लगता है कि अपने को नया कंप्यूटर या लैपटॉप लेना चाहिए, तो अपने घर वालों को ज्यादा तकलीफ नहीं देना है पैसे से, कम पैसे में काम चला सकते हो तो चला, नहीं चलता है तो ठीक है। ठीक है, इज इट क्लियर? भी सोच रहा हूँ कि कैमटेशिया उड़ा दू करके आगे जाके। तो हम लोग वापस अपने ये लड़की पे आते कि जिसके बाल बड़े डेंजरस से हैं, तो क्या करेंगे अगेन? कुछ करना ही नहीं है एक्चुअली, बहुत ही इजी हो गया, कोई भी ले लो। अब ये लेने का फायदा ऐसा है कि तुमको जीतने से चार कैरेक्टर होते हैं यहाँ पे, तो मैं सिर्फ क्या करता ऐसे ड्रैग ऑन वन कैरेक्टर ओनली, तो क्या होता सिर्फ एक ही कैरेक्टर क्या होता, इसीलिए ये क्या दिया है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। क्लियर? अभी 2023 में एक दो ऑप्शंस और ऐड हो गया सिलेक्ट, ये यहाँ पे सिलेक्ट में सब्जेक्ट आ गया है, नहीं है यहाँ पे भी, ये दिख रहा है सब्जेक्ट, तो कंट्रोल डी से क्या होता है डी सिलेक्ट सिलेक्शन, क्या होता है ये देखो, डी सिलेक्ट कंट्रोल री सिलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट डी या सिलेक्ट सब्जेक्ट, सेम वही होता है, मतलब कितना भी किसी भी ढंग से खाना खाए तो भी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ही होना है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट देखो एक ही होता है, हम लोग ने क्या पहले से ही वो 3D में ऑब्जेक्ट बोलते इसीलिए ऑब्जेक्ट बोलते, लेकिन हो गया सिलेक्ट। यू कैन गो थ्रू सिलेक्ट एंड मास्क, जाओ देखो, ये देखो व्यू, वाह अच्छा हो गया ना, काफी अच्छा हुआ, आप देख सकते हो कि वो ट्रांसपेरेंट कैसे लगेगी, जो लग नहीं रही मेरे ख्याल से, यहाँ पे ऑपेसिटी वगैरह पे हमने कुछ काम नहीं किया होगा, मार्चिंग एंड्स ओवरले ये दिख रहा है, ये फुल येलो पे फुल रेड पे ट्रांसपेरेंट है अच्छी खासी, ये देखो ये येलोइशनेस दिख रहा है, पहले तो रिफाइन हेयर मार दो एक बार, बाय डिफॉल्ट उसने रिफाइन हेयर नहीं मारता है, हो गया गायब, कुछ गायब हो गया दिख रहा है ना, ये जो येलोइशनेस आता है जो अपने को अभी दिखाई नहीं दे रहा है, अपन व्हाइट पे देखते, किस पे ऑन व्हाइट, और ये व्हाइट पे भी 100% फुल रखो, आपको दिखाई दिया होगा स्पेस, कंट्रोल प्लस से जूम, कंट्रोल माइनस से ये दिख रहा है येलोइशनेस, और ऑब्वियसली ये देखो यहां पे भी हमारा कुछ पोर्शन गायब हो गया, उसको वापस लाना है, तो प्लस आ रहा है क्या वापस, एंड इधर भी गए, इसको भी थोड़ा सा लेके आते, कभी कभी मैं ज्यादा ही कुछ कर देता हूं, कंट्रोल जेड दबाया हल्का सा वापस ले, मास्किंग करना डिफिकल्ट था, अभी नहीं है, ठीक है, तो यहां नीचे जाने का और करने का क्या, आगे क्या बाल बढ़िया से, वाव इससे बेटर नहीं आ सकते थे, ओके करो, एंड देन एनी बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड लेके आओ, कहां होता है बैकग्राउंड देखो, लेना पड़ेगा, कहां जाएंगे हम, और प्रीपिक और बहुत सारी वेबसाइट से, वो सभी वेबसाइट पे तुमको अपने क्या करने हैं, अभी क्या है ना बिहार से फायरफ्लाई नाम का एडोब का क्या AI टूल आया है, इमेजेस क्रिएट करके देता है, सो कैन यूज, इसको भी यूज कर सकते हो, अच्छे इमेजेस अगर तुमको चाहिए कर सकते हो, अभी इसमें भी आ गया है फोटोशॉप में देखो, और तुमको रैंडमाइज इमेज लेके ही काम करना है, व्हाई एनीवन, मैं रैंडमाइज इमेज क्यों लेता हूं, बिकॉज तुम्हारा ध्यान ना कि इजी वे में जाना चाहिए, मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, ह्यूमन ब्रेन
क्या करता है? हाँ, जो इजी होता है वही लेता है। तुम लोग भी लेते हो क्या इजी टास्क? सभी लोग नहीं, डिफिकल्ट लेते हो इजी लेते हो? हाँ, हम लोग अपने हम लोग फैकल्टीज थे ना जितने भी, तो हम लोग कॉम्पिटिशन लगाते थे 3 घंटे 4 घंटे का, कि ये एनिमेशन करके दिखाओ वट एवर। तुम ऐसे करते हो क्या? तुमने अपने अपने में, तुम अभी रेगुलर कर रहे हो तो तुमने अपने अपने में कभी लगाया गया कि मैं 25 डालूंगा मास्क करके? नहीं ना, चालू करो। जब तुम चालू करोगे तो तुमको आइडिया आएगा कि हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए। तो याद रखना, अभी थोड़ा सा मैं तुमको बताऊंगा नहीं, अभी तुम लोगों को खुद को भी समझनी है चीज, राइट? सो लेट्स टेक दिस इमेज, गो टू इधर, बैकग्राउंड उठाओ, मूव टू लो, बैकग्राउंड उठाओ। मैंने बताया ना अभी क्या करना है, शिफ्ट दबाना है। क्या होता है शिफ्ट से? वाई शिफ्ट ऑल्सो, कभी कभार ये इमेज कहीं कोने में होती है, इसके किसके समझो, ये यहां पे कहीं रहेगी और वो वाला पार्ट उठा के यहां डालना होता। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं जब शिफ्ट डालूंगा तो बराबर यहां पे चली जाएगी, या यहां पे भी हो सकती है वो। वाय? क्योंकि ये स्क्वायर होगा, वॉट एवर, ये भी स्क्वायर हो सकता है। तो इसीलिए कभी कभी शिफ्ट यूज करते, कभी नहीं करते। एग्जैक्ट चाहिए होगा तो शिफ्ट। अभी प्रॉब्लम आ गया, क्या हो गया? लड़की हो गई और इमेज हो गया, तो क्या करेंगे? तो जैसा मैंने सबसे पहले लेक्चर में कहा था, सबसे पहले क्या डिसाइड करते हम लोग, किया था क्या, क्या यूज किया शॉर्टकट अभी मैंने? कंट्रोल एन। क्या होता है कंट्रोल एन से? न्यू। जिंदगी में कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो कौन सा शॉर्टकट होता है न्यू के लिए? उसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं होता, राइट? तो हमने ये यहां से कोई लिया होगा, वॉट एवर, एंड देन क्रिएट किया होगा। HDTV फुल HD, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन तुमको फर्स्ट 2 लेक्चर्स में आ गया होगा। नहीं आ गया होंगे तो फिर से जाके पढ़ लेने का। कहाँ होते लेक्चर्स अपने डाले क्या? हाँ, YouTube चैनल पे अपने अवेलेबल ऑलरेडी है। नाउ हम लोग दबाते कंट्रोल। कंट्रोल टी से क्या होता है? ट्रांसफॉर्म, मतलब छोटा बड़ा करना, इधर उधर मूव करना या रोटेट करना। अब ये बहुत बड़ी हो गई है तो क्या करेंगे? मान लो अब ये रामायण जैसा लग रहा है अपने को, लग रहा है क्या? होता है ना इसे बहुत बड़ा कैरेक्टर। कंट्रोल प्लस, देखो अभी ये कभी कभी नहीं क्या ऐसे होता है हम लोग, अरे वो तो दिख ही नहीं रहा है उसका यार, ये ऐसे होता है क्या तुम्हारे साथ? स्पेस बार पैन, अरे मैंने कंट्रोल टी दबाया पर दिख ही नहीं रहा है। वाई दिख नहीं रहा है? क्योंकि ये बहुत बड़ी है। कंट्रोल माइनस करोगे तो क्या होगा? दिखना चालू हो गया। ये होता है एंकर पॉइंट। मैंने एंकर पॉइंट के बारे में क्या बताया था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? हमारे बॉडी का एक सेंटर होता है। कहाँ होता है? कमर में। तो कमर को खींचो तो पूरी बॉडी चली जाती है क्या? तुम बोलोगे सर पैर को पकड़ो तो भी जाती है, होती है कैसे? पर हमारी बॉडी किसके अराउंड में घूमती है, तुमने देखा है कभी? कमर के अराउंड में घूमती है, इसलिए उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो पॉइंट है, अच्छा कंट्रोल टी नहीं है सर, मेरे को याद नहीं है ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या है? इमेज। इसको एडिट करने के लिए कहाँ जाएंगे? एडिट में कहाँ जाएंगे? अच्छा तुम बोलेगे सर यहाँ पे भी तो ट्रांसफॉर्म है, तो करो। आता वही है, आता कुछ नहीं फर्क पड़ता। कंट्रोल माइनस, ये पॉइंट कहाँ लेके आया मैं? मुझे लगता है कि ये जो इमेज स्केल होगी मतलब छोटी या बड़ी कहाँ पे होनी चाहिए? इस पॉइंट के अराउंड में होनी चाहिए। तो क्या करता हूं? अभी हो रही क्या? अभी हो रही नहीं। क्या दबाना पड़ेगा? ऑल्ट दबाना पड़ेगा। देखो ऑल्ट दबाओ, अभी हो रही, हो गई ना। एंटर दबाओ। कंट्रोल, कुछ गड़बड़ दिख रही? करे डू सी समथिंग, एक लाइन दिखाई दे रही। क्या है वो लाइन? वो लाइन इस इमेज का एंड पॉइंट था। क्या करेंगे हम लोग? इसको गायब करेंगे। कैसे गायब करेंगे? वेरी सिंपल, ब्रश लो। ब्लैक मतलब हाइड, बताया था ना,
और व्हाइट मतलब दिखेगा, तो ब्लैक मतलब यहाँ पे फुल रहेगा। मैं बताऊंगा ये ब्रश वगैरह क्या है, स्टिल हाइड हो रहा है क्या? हाँ हो गया, अच्छा दिख रहा है। और भी कुछ लाइन दिख रही क्या? ब्रश ले लो, और दिख रही क्या कुछ? नहीं होंगी तो भी ऐसे मार देना। थोड़ा ब्रश का साइज बड़ा करने के लिए क्या करते यूज? ब्रैकेट, कहाँ होते ब्रैकेट? पी के बाजू वाले ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट होते यूज। हो रहा है क्या बड़ा? पर फिर भी अगर ब्रश के ब्रैकेट के बारे में नहीं पता तो कहाँ जाएंगे? और यहां से क्या करेंगे? छोटा, ओ माय गॉड, बड़ा कर सकते हैं, वॉट एवर। ये सॉफ्ट ब्रश है, नीचे क्या है? हार्ड ब्रश है। देखो गायब हो गई क्या? ओ तुम लोग किसी को भी गायब कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एक इमेज को यहां लेके आए, दूसरी इमेज को गायब किए, तीसरी इमेज को कहीं और कुछ करेंगे। ये सब करने के लिए हमको फोटोशॉप अलाउड करता है लेयर्स की वजह से। दिख रहा है लेयर्स? बहुत सारी लेयर्स आ सकती हैं, और बहुत सारे लेयर्स हम लोग डाल भी सकते हैं। ये देखो ये बिल्ली है, उठाओ, मैं जानबूझ के ले रहा हूं, डाला इसके ऊपर, आ गई बिल्ली। और क्या, ये भी ले लेते हैं, ये ले लो फ्लावर। देखो ध्यान से, ये जो पहले ये मॉडल का काम खत्म हो गया ना, बंद कर देना उसको, सेव करना है तो करो, नहीं तो बंद कर दो। ये देखो यहां पे नहीं क्या, इसका साइज होता है, सी दिख रहा है कितना हो गया? ओरिजिनल साइज कितना था डॉक्यूमेंट का? 7 MB। फिर क्या हो गया? 26 MB हो गया। तो जितनी लेयर्स ऐड होते जाएंगे उतना। आपने एक और ध्यान में लिया होगा कि मैंने कैट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया किया, तो यहां पे ये क्या हो गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सिंबल चेंज हो जाता है, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट का सिंबल बोलते हैं। अगर आगे जाके बहुत आएगा तो विल सी दैट। मैंने तुमको उस दिन बहुत सिंपल मेथड से एक स्पीयर, एक किसको, एक नॉर्मल सर्कल को स्पीयर में कन्वर्ट करते हुए बताया। कैसे बताया? एक नया ले, हमेशा याद रखो, फोटोशॉप हो या कोई और भी चीज, आफ्टर इफेक्ट्स हो, प्रीमियर हो, इलस्ट्रेटर हो, व्हाटएवर, हमेशा याद रखना मल्टीपल लेयर्स में काम करना। व्हाई? कंट्रोल ज्यादा मिलता है। अगर तुम एक जगह सब कुछ रखोगे तो कुछ नहीं कर सकते, तो हमेशा लेयर्स में काम करना। तो हम लोग यहां पे भी क्या करते, तो यहाँ पे एक सिलेक्शन टूल है ना, हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा होगा तो जो लेक्चर्स मिस हुए वो रेगुलर देखो, एक दिन में देख लोगे तो भी हो जाएगा, बहुत बड़ा पढ़ाया नहीं हमने। शिफ्ट दबाया, क्या होता है शिफ्ट दबाने से? आप देखो सर्कल ही क्रिएट हो रहा है, लेकिन शिफ्ट छोड़ दिया तो क्या हो रहा है? एलिप्स क्रिएट हो रहा है। अर्थ इलिप्टिकल वे में ही घूमती है सन के अराउंड में कि सर्कल में घूमती है? इलिप्टिकल घूमती है, सर्कल में घूमती है, इसको पैराबोलिक पाथ भी बोलते हैं लैंग्वेज में। अब इसके, इसको ऐसा रखना है या वैसा रखना है, यू डिसाइड। एक लेयर लो, अभी देखो मैं डिफॉल्ट कलर यहां पे डालने, कौन से कलर डिफॉल्ट कलर, कौन से कलर होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है? ये वैसे आइकन है लेकिन मुझे शॉर्टकट डालना है, तो क्या है? डी, डी फॉर, तो जब भी यूज करो तब बताओ। देन अगर कलर चेंज करना है तो जस्ट क्लिक ऑन, क्लिक करो यहां पे, कौन सा कलर चाहिए? रेड टू रेड, बीच में को बहुत सारे कलर है, सो कैन यूज एनी कलर, ओके। यहां पे भी ओके ही बोल रहे हैं, ये कलर कोड होता है किसी भी कलर का, ओके करो। तो यहां पे नहीं डालेंगे कलर, ऐसे डाल दिया कंट्रोल डी, क्या हुआ अभी? कंट्रोल डी से, डी से ये इधर ही आ गया, दिख रहा है बैकग्राउंड पे, तो मैं इसको सेपरेटली घुमा नहीं सकता अभी, वो उसके साथ ही मर्ज हो गया। मुझे ऐसा चाहिए था क्या? और क्या करना चाहिए था? एक नई ऑल्ट कंट्रोल, हो गया ना सिलेक्शन, हो गया उसमें कलर फील करना, हो गया नाउ व्हाट? कंट्रोल
डी क्या होता है, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट होता है। अभी देखो मूव टूल लिया, लेयर को सिलेक्ट किया, मूव कर सकता हूं क्या अभी, पहले कर सकता था क्या? तो याद रखो किसी भी लेयर के ऊपर, अभी दूसरा भी अगर करना है कुछ रेक्टेंगल, शिफ्ट दबाओ, क्या होता है स्क्वायर आएगा, नहीं दबाओते तो चलो शिफ्ट दबा देते, कोई दूसरा कलर ले लेते। अगर मैंने इसी के ऊपर लिया तो ये दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन अगर अलग लिया तो, अलग मतलब नए लेयर पे लिया तो ऑल्ट बैकस्पेस, ऑल्ट बैकस्पेस से क्या होता है, ऑल्ट बैकस्पेस, ऑल्ट दबाओ और ये बैकस्पेस का बटन दबाओ तो क्या होता है ये कलर यहां फील होता है, और कंट्रोल बैकस्पेस से क्या होता है, कौन सा कलर है, व्हाइट कलर है, इज इट क्लियर है ना। तो फिलहाल मुझे ऑल्ट बैकस्पेस ही चाहिए, कंट्रोल डी, डी से क्या होता है डी सिलेक्ट। अभी ये याद रखने का, ये बोलते जाने का शॉर्टकट याद रखने के सबसे बेस्ट तरीके क्या होते हैं, जब यूज करो तब बोलो। तुमको हो गया क्या, कितने लोगों को हो गए, हुए क्या याद, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं नहीं बोलता हूं, तो मैं जब बोलता हूं इसका मतलब तुम लोग नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि सर ने बोला हुआ अगर मैंने किया तो मुझे पाप वगैरह भी लग सकता है, लगता है क्या, लगता है क्या, मैं ऐसा लोग लोग बोलते हैं अभिषेक सर ने बोला हुआ अगर किया तो पाप लग सकता है, पर तुम देख लो पाप लगेगा तो भी तुमको ही लगेगा, मुझे तो नहीं लगेगा, ठीक है। ये लेयर्स को देखो, अभी समझो मुझे सिर्फ ये लेयर देखनी है, तो देखो ऑल्ट दबाओ और सिर्फ इस लेयर के ऊपर क्लिक करो, क्या हुआ, बाकी की सब क्या हो गई, हाइड हो गई। ऑल्ट दबा के इसी लेयर के ऊपर वापस क्लिक किया तो ये बड़ा अच्छा तरीका है, बहुत 150-200 लेयर होंगे, मुझे सिर्फ एक लेयर देखनी है, बहुत ऑन ऑफ करने में बहुत तकलीफ होती है, तो उस टाइम पे हम लोग इसको यूज करते हैं। और तुमको पता भी होगा मैंने बहुत सारी लेयर्स पे शायद काम किया होगा एंड देन नहीं है अभी, ठीक है। तो वापस होम पे जाएंगे, फोटोशॉप पे जाएंगे, ये ऐसे होता है, वापस हमको इमेजेस पे जाना होगा तो यहाँ जाएंगे। ये बड़ा अच्छा 2020 ऑनवर्ड्स दिया हुआ है, नहीं तो पहले क्या करना पड़ता था, बार बार ओपन में जाना पड़ता था पुरानी रेफरेंसेस देखने के लिए, ये बड़े अच्छा ऑप्शन दिया स्विच करने के लिए। अभी तुमको इसका इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं पता क्योंकि तुमने यही वर्जन में काम किया, पुराने वर्जन में जिन्होंने काम किया उनको पता चलता कि ये कितना डिफिकल्ट था पहले, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन हो गया, यू कैन यूज। अभी तुमको यूज करने के लिए इट टेक्स टाइम, तुम्हारी स्पीड भी आने के लिए इट टेक्स टाइम। तो किसी ने तो भी मेरे ख्याल से अपने कुछ ये डाले थे, काम किए हुए डाले थे ना, व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप पे डाले थे ना, सब लोगों ने कुछ काम भी डाले थे, कितने कितने काम डाले थे, डाला था। और बाकी लोग क्यों नहीं डाले, मैंने क्या बोला था, कुछ भी काम करो, एनी वर्क, वो खराब रहे अच्छा रहे बुरा रहे कैसा भी रहे, प्रॉब्लम आए नहीं आए, वो सब आपको क्या करने हैं, यहां पे डालने ही डालने हैं। क्यों, वो ऋषिकेश ने डाला, देखो अभी मैं बता सकता हूं ना इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो ये हवा में लग रहा है, लग रहा है क्या, काम डालोगे तो आइडिया आएगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, हम लोग हमेशा थोड़ा शर्माते, शर्मा सरनेम है क्या, हाँ उनका सरनेम शर्मा है, पर बाकी लोगों का शर्मा सरनेम नहीं है। तो मैंने तुमको बताया कि सीखते वक्त हमको बेशर्म होके सीखना पड़ता है, मैं खुद भी वैसे ही सीखता हूं, तो तुमने अगर वैसा नहीं किया तो फिर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तुम मेरे को हजार बार पूछोगे तो मैं हजार बार आंसर दूंगा, लेकिन अगर तुमने पूछा नहीं तो मेरे को अभी तक ऐसी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है कि जिससे मेरे को तुम्हारे अंदर का पता चले, जिस दिन ऐसा पता चलेगा तो फिर मेरे को तुम्हारे तुमको सिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, पड़ेगा क्या, मैं किसी और का जाके मन का पढ़ लूंगा, कहीं एटीएम में कोई जा रहा है तो उसका मन में उसका कार्ड का पता कर लूंगा, फिर उसका एटीएम किसी चोर के हाथों से पैसा वैसा अंदर, तो ऐसा तुम लोग नहीं करोगे,
ठीक है चलो, तुमको जगाने के लिए मेरे को ऐसा करना पड़ता है कि बहुत सारे चेहरे पे नींद दिखती है कभी कभी, तो मुझे ऐसा करना पड़ता है कि एक हाथ जोक मारना पड़ता है, भले वो तुमको पसंद ना है, तो मैं लोग देख के जोक मारता हूँ। ठीक है ये भी हो गया ऑन ऑफ। हाँ और क्या बढ़ाया था? तो भाई ये सर्कल तो मैंने या फिर स्पीयर तो ले लिया सर, हमने स्पीयर ले लिया, पर ये स्पीयर दिख रहा है क्या? इज इट? देखो इसके अंदर, लेकिन मैंने सिलेक्शन छोड़ा नहीं है, ये मार्की सिलेक्शन है, एम उसका शॉर्टकट है, देखो मैंने उसको छोड़ा नहीं, वही है। एक लेयर लेता हूं, क्या करता हूं, कोई भी कलर फील करो, एनी कलर तुम जो बोलोगे वो ले ले, ये कलर किसी को क्या पसंद है वो बता सकता है यार, पर तुमको बोलना पड़ेगा। ऑल्ट आ गया कलर, कंट्रोल कंट्रोल डी आ गया, बढ़िया सर। ये स्पीयर है क्या? क्यों नहीं है स्पीयर? इज इट स्पीयर? क्या रे स्पीयर है ये? नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि तुम बोल रहे हो करके, या मैं बोल रहा हूं, या ये बोल रहे हैं, क्या होता है ये स्पीयर है क्या? डेप्थ मतलब क्या? तो भाई इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ा, जब तक लाइट नहीं पड़ेगा तब तक ऑब्जेक्ट 3D लगता नहीं है, फ्लैट लगता है। तो हम लोग कर लेंगे इसको, एक लेयर और ऊपर दे देंगे, ब्रश ले लेंगे और इसके ऊपर शेड्स देना शुरू करेंगे। तो समझ लो यहाँ पे ऊपर से लाइट आ रहा है, मैं एक डायरेक्शन तुमको दे देता हूँ, थोड़ा हल्का सा, थोड़ा ब्लैक कलर कर देते हैं। ठीक है ब्लैक कलर, ब्रश का साइज छोटा, ब्रैकेट समझो यहाँ से लाइट आ रहा है और यहाँ पे लाइट पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है? हाईलाइट। हम लोग जब तेल लगा लेते हैं, क्या तेल लग जाता है या तेल गर्मी से आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है? स्पॉट क्रिएट होता है। क्या है क्या मेरे चेहरे पे स्पॉट? मेरे ऊपर वैसे भी लाइट नहीं है, बट ठीक है कहीं से लाइट आएगा तो यहाँ पे स्पॉट्स क्रिएट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाईलाइट। क्या बोलते हैं? जहां पे लाइट डायरेक्टली पड़ता है, जहां पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाईलाइट। तो समझ लो यहाँ पे हाईलाइट आ गया, तो बाकी जगह क्या आ गया? लाइट का अपोजिट क्या है? जहां पे लाइट नहीं वहां पे शेडो, और जहां पे शेडो वहां पे सिंपल, तो यहां पे शेडो आएंगे। क्रिएट करो, कैसे क्रिएट करोगे? एक और लेयर ले लो, देखो एरो डाला है उस लेयर में, मैंने क्या नहीं किया, काम नहीं किया। इसको लिखो क्या? शेड्स। क्या लिखोगे? नाम लिखना, हमेशा एंटर दबा देना या डबल क्लिक करो, शेड्स इधर जाओ लेके जाओ। ये क्या है? ठीक है ऑफ कर दिया फिलहाल के लिए, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी तुमको। ठीक है ब्रश ले लो, पहले ले लिया ब्रश, इसको स्वैप करना है, ये पीछे का कलर आगे, आगे का कलर पीछे, क्या करेंगे? एक्स दबाएंगे। क्या होता है एक्स है? या ये एरो दिख रहा है, एक्स ज्यादा बेटर है क्या? इसका डार्कर शेड चाहिए हमको, यहां पे शेड डार्कर हो जाते हैं तो ले लो। कैसे करेंगे डार्कर शेड? तो देखो हमेशा ब्राइटनेस पे जाना, कहा ब्राइटनेस कम किया, किया क्या? ब्रश लिया, थोड़ा ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इतना कहाँ हम लोग करते बैठे, ऐसे करते बैठेंगे क्या? नहीं, थोड़ा सॉफ्ट ब्रश लेंगे क्या? थोड़ा सॉफ्ट ब्रश लेंगे, इतना हार्ड ब्रश से आता है क्या? ऐसे एकदम शेड्स दिखते क्या लाइन लाइन? नहीं सॉफ्ट रहता है, देखा है कि नहीं स्पीयर? नहीं देखा होगा तो दिखा देता हूं, कैसे होता है दिखते ऐसे ही कुछ राइट? दिख रही, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं उसमें, देख सकते हैं हम लोग रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, ये रियल नहीं है सब 3D है, सिंस स्फीयर लिखा है ना तो अपने आप 3D आ गया, अगर हमने इसको लेदर बॉल या बाकी कुछ लिखा होता तो वैसे आता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा ब्रश का साइज बढ़ा दिया हल्का सा, तो ये कहाँ जा रहे हैं? हमको कहाँ चाहिए? स्फीयर पे चाहिए, ये कैसा दिख रहा है? तो इसीलिए इस लेयर को हम लोग करते क्या? क्लिपिंग मास्क, ऑल्ट दबाया, ये दो लेयर्स के बीच में ऑल्ट दबा दिया, क्या आ गया? कुछ आ गया क्या? उसको क्या बोलेंगे? अभी
गायब हो गया क्या वो बाकी का? अच्छा दिख रहा है? ओके, फिर क्या करेंगे? एक और शोर शेड डार्क लेंगे क्या? फिर क्या करेंगे? अच्छा, इसकी भी लेयर्स बना सकते हो मल्टीपल, है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बना सकते, तो सब कुछ हो सकता है लाइफ में। एक चीज याद रखना, हर एक का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। अभी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या? और थोड़ा डार्क कर लेंगे। शेड्स कैसे बनते रहे? पेंटिंग की है ना? नहीं किए जिंदगी में? हम लोग कभी पेंटिंग नहीं किया होंगे। कैसे बनते शेड्स? गणपति वगैरह पेंट किया क्या कभी? ब्लैक ऐड किया किसी भी कलर में तो शेड्स बनते हैं। जिन नहीं किया, घर में जाओ, अपने जो आजू बाजू में बच्चे लोग होंगे उनके कलर्स लो, रोने लगेंगे, है कि नहीं? ठीक है, रोने लगेंगे तो रोते देने का कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? सो यहां जाओ, देन क्लिक करो, ये कलर वापस से ले लो। देखो ये पिकर है, दिस इज कॉल्ड, क्लिक करो, एक और लेयर ले लो। और क्या करोगे? इस लेयर को भी ऑल्ट दबाओ एंड इसको बोलो इसका हमने क्या किया, लाइटर शेड लेना है। आओ लिया क्या? क्या करेंगे? ब्रश लेंगे वापस से। आ गया क्या? ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा, पता नहीं चल रहा। और लाइटर शेड लेंगे। तो यहां लाइटर शेड के लिए अभी सैचुरेशन पे क्लिक करेंगे। कहां करेंगे? पानी डालेंगे कलर में, क्योंकि जहां पे हाईलाइट होता है वहां पे सैचुरेशन कम। देन और क्लिक करेंगे, हो गया क्या? और क्लिक करेंगे, छोटा छोटा करते जा रहा हूं ब्रश को भी। राइट, करते जा सकते हैं ऐसे। और भी तुमको लगता है कि नहीं मुझे शेड्स और कम ज्यादा वॉट एवर जो भी करने हैं, तो आप क्या करोगे? ब्रश लोगे, हल्का हल्का पेंट करते जाओगे। और ठीक है, ज्यादा हो गया, हल्का ब्रश लिया। तो यहां से फ्लो कम करना, क्या कम करना? क्या होता है फ्लो? विल सी। अभी कलर माइनस मतलब कहां से? हाँ तो कुछ नहीं है ना, लाइटर कलर से पेंट करो। ऑल्ट, देखो ऑल्ट से क्या होता है, ब्रश लेते हो ऑल्ट दबाए तो पीकर आ जाता है, क्लिक, और तुम डायरेक्ट पीकर ले सकते हो। देन ये हो गया लाइट। नहीं बोले यहां पे हम लोगों को एक और शेड डालना है, तो ले लो, ये लो ऑल्ट दबाओ, ले लिया, हो गया। तो इसके आजू बाजू में भी शेड्स क्रिएट होंगे। ऑल्ट पेंट करना है फिर। थोड़ा और डार्कर कलर लेना है, हो जाएगा। अभी कब आएगा हमको पता कैसे चलेगा? हम देखना पड़ेगा ना कई ऑब्जर्वेशंस। तो अगर ऑब्जर्वेशन हमारे अच्छे रहे तो हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर सभी को? तो ये स्फीयर बन रहा है और अच्छा बन सकता है।
हमने किया नहीं इतना स्कैन, पर अगर मैंने ये क्लिपिंग मास निकाल दिया ऑल्ट दबा के, तो तुमको पता चलेगा कि मैंने कितना गंदा पेंटिंग किया। ऑल्ट ऑल्ट इतना सिंपल है ना, यू डोंट नीड टू बी अ गुड पेंटर। अगर ऐसा कुछ करना है तो बहुत अच्छा पेंटर रहने की जरूरत है, इससे भी काम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही तुमको फिर यहां से एक्सपोर्ट करना है एज अ पीएनजी करो और एज अ एक्सपोर्ट करो। लिखो नाम इसके ऊपर एंड देन सेव करो और भेजो, भेजना जरूरी है। तो थोड़ा सा आज हम लोग, ये सभी आ जाएगा, अभी तुम्हारे लिए बहुत इजी है। जस्ट गो क्विक सिलेक्शन टूल में एंड देन सिलेक्ट सब्जेक्ट करो एंड वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो जब तुमको अगर अच्छा सिलेक्शन सीखना है तो यू नीड टू हैव 20-25 इमेज करो, रोज 10-12-15 इमेज करते रहो। जो नहीं सिलेक्ट हुआ है, जो ये नहीं हुआ ना सिलेक्ट, उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो प्लस मोड में है तो आपको क्या करना है, ये माइनस कंट्रोल प्लस। हमेशा याद रखो कि वो जो ये ब्रश है, ब्रश को बड़ा करने के लिए छोटा करने के लिए ब्रैकेट यूज करते हो। ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबाने से क्या होता है, माइनस सिलेक्शन। ये देखो ये आ गया, ऑल्ट जैसे दबाता हूं यहां पे आता है कि देखो तो आ गया, और ऐड करना है तो अपने आप वहीं पे शिफ्ट दबाना अगर नहीं होता है तो भी। तो ऐड सिलेक्शन एंड सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, इज इट क्लियर। जाओ फिर भी देखो कैसा सिलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड ठीक तो होता है, रिफाइन कर देना एक बार, क्योंकि ये नीचे थे ना कुछ पोर्शन, ओ बहुत ज्यादा हो गया। देखते प्लस करो, स्पेस बार दबाओ, हुआ अच्छा है तो बहुत ज्यादा हो गया है ना। एंड यू कैन सी यहाँ पे जाके ये ब्लैक के ऊपर लाल, ये दिख रहा है क्या, तो सिलेक्शन उतना खास नहीं, मैन्युअली भी करना पड़ सकता है कभी, सो मेक श्योर कभी कभी मैन्युअली काम करना पड़ेगा। तो मैन्युअली कैसे करेंगे, जस्ट क्लिक ये ब्रश ले लो, माइनस या ऐड करना है, ऐड करना है, थोड़ा पतला करना है, पतला मतलब छोटा बारीक करना है, और आपको क्या करना पड़ेगा, दिख रहा है, हेलो, इसीलिए मैंने तुमको बोला था कि जिस को अगर बहुत अच्छा पेंटिंग वगैरह आगे जाके इसी में करना है, यू कैन यूज पेंट टैबलेट। मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूं, तुमको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, इज इट क्लियर। अभी देखो ये वाला सिलेक्शन हो जाएगा, हो गया, एंड देन यू कैन गो टू मास्क एंड मास्क कर सकते, क्लियर है। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ ऐसा लगता है, तो यहां जाके व्हाइट कलर से ब्रश से क्या कर सकते, देखो ब्रश से, ब्रश का साइज बड़ा, यू कैन पेंट, ये फ्लो वगैरह थोड़ा बढ़ा देना है इसे वक्त में। क्लियर है, कोई डाउट किसी को भी, किसी को डाउट, प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे, बार बार काम करके देखना पड़ेगा। ठीक है, आज तुमको थोड़ा समय कलर्स के बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज कलर्स एंड ऑल, कैसे बनते हैं। कोई भी कलर, एनी कलर, कैसे बनते कलर, एनी वन, कलर कैसे बनते, नहीं बनते, बनते हैं क्या कलर्स, कैसे बनते हैं ऋषिकेश, क्यों नहीं आ रहे, गाओ गया क्या ऋषिकेश, वरदा
सो गया है। कभी कभी सो जाते लोग देखते देखते। ठीक है, तो कलर्स कैसे दिखते? तो हमारे लिए कलर्स में एक इम्पोर्टेंट एक इमेज है, उसको याद रखना। क्या बोलते हैं उसको? आर जी बी कलर व्हील। क्लियर है? यहाँ चलो, ये इम्पोर्टेंट इमेज याद रखना। कौन सी? ये वाली इमेज। दिस इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपी कर लो, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना, कॉपी इमेज, और फोटोशॉप में जाके न्यू कर लेना। क्या? और न्यू में जाके ये देखो अपने आप क्लिपबोर्ड आ जाता है। आ गया? क्रिएट करो, अपने आप वो साइज लेता है जो हमने कॉपी किया था ना। क्या है ये? आ गया बराबर साइज हो गए? कंट्रोल प्लस। क्या है? कलर व्हील। अगर हम लोग यहां पे भी देखें तो ये क्या है? ह्यू। ह्यू मतलब कलर। जीरो से अगर हम लोग स्टार्ट करते, कौन सा कलर है जीरो पे? यहां पे डिग्री, इसलिए 360। ये देखो ये डिग्री इसलिए है क्योंकि 360 डिग्री है। सर्कल को हम लोग डिग्री से गिनते, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऐसे होता है क्या? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 360 होता है क्या? नहीं होता है। बचपन में ज्योमेट्री पढ़े हो क्या? आठवीं तक, सातवीं आठवीं छठवीं नहीं पढ़े? नहीं नहीं पढ़े होंगे, उस दिन ध्यान नहीं था अपना। कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखो यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। आ गया क्या है? गूगल सब पूछ लेता है। क्या है ऐसा? सुना है क्या कभी 2πr वगैरह? मैं मैथ्स नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे देख लो तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 360 डिग्री। तो भाई सबसे जीरो डिग्री पे क्या आता है? तो यहां से अगर चालू करे वॉच तो जीरो डिग्री पे आता है रेड। तो 359 पे क्या आएगा? रेड ही आएगा। ये इधर रहेगा ना 359, ये पूरा घूम के आएगा ना ऐसे, करीब करीब यहां तक रेड ही दिख रहा है। देखो 359, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये यहां से उठा के देख लेने का। ये देखो 359, ये जीरो पे है। कितना है? ये जीरो, और ये ऊपर गए। कितना है? ऑलमोस्ट रेडी है क्या? तो हमारे डिजिटल कलर्स होते हैं आर जी बी। सुना है? सुना है हमने, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लो, मैं बोल ही रहा हूं। तो ये है हमारा ब्लैक कलर, आर इक्विलेटरल ट्रायंगल वैंगल आते हैं। अभी मैं समभुज त्रिकोण से मराठी में बोलते हैं इसका, है क्या? 120, 0, 120, 240, और इसके ठीक अपोजिट क्या होते हैं? साइन, मैजेंडा, येलो। वाह, स्टार बन गया। तो क्या है ये? साइन। तो रेड के ठीक अपोजिट होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी इसमें रेड नहीं होता। देखो 255, अगर आप रेड को ध्यान से देखो यहां पे क्या है। अब इसका सिंपल वे तो सर बोले आप 257 क्यों नहीं होता, करके देखो, डालो वैल्यू। क्या बोल रहा है वो? एन इंटीजर बिटवीन 0 टू 255 इज रिक्वायर क्लोजेस्ट वैल्यू इंसर्ट, इनके बीच की वैल्यू डालो। तो 0 एंड 255 मतलब 256 होते हैं ना। किसी का सवाल होता है कि 256 ही क्यों सर? तो याद होगा नई फाइल लिए थे हमने, वहां पे बोला था उसको क्या? 8-bit इमेज। तो 8-bit मतलब क्या होता है? तो 8-bit मतलब कैलकुलेटर खोलने का। ऐसे कोई बोलेगा नहीं वैसे तुमको कैलकुलेटर खोलो करके। तो 2 का पावर 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 नहीं, कितना होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 8? 2 मल्टीप्लाई बाय 8 नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसा 8 टाइम्स। तो मेरे को इतना टाइम नहीं है तो मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर उठा के 2 का पावर, ये देखो 2 का पावर कितना, कितने होते? रेड के 256 शेड होते इंक्लूडिंग ब्लैक। देन
ऐसे ग्रीन के भी होंगे तो मल्टीप्लाई बाय ब्लू के भी होंगे, टोटल कितने शेड्स हो गए, करीब 16 मिलियन कलर्स। तो हमारे टोटल इस किसी भी ब्लैक 8 बिट 24 बिट इमेज है ना, रेड के 8, ग्रीन के 8 एंड ब्लू के 8, तीनों मिला के कितने होते हैं 24 होते हैं, 3 चैनल्स रेड ग्रीन ब्लू। तो इनके शेड्स मिला के हम लोग इतने कलर्स देख पाते किसी भी 24 बिट इमेज में। ये देखो यहाँ पे लिखा होता है, दिख रहा है RGB/8 दिख रहा है, तो RGB 24, तो इतने शेड्स हम लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग इतने शेड्स देख पाते हैं नहीं पाते हैं वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ह्यूमन आई कितने कलर देख सकता है, ऐसे देखने का ना, ये क्यों हम लोग बोल रहे हैं कितने कलर्स देख पाता है, इंफॉर्मेशन, टेक इंफॉर्मेशन, कितने कलर, तो 16 मिलियन क्या कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंड हम लोगों को इतना बेवकूफ बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है। वो आईफोन आया उसमें 32 मिलियन कलर्स दिखने वाले, 64 मिलियन कलर्स दिखने वाले, ऐसे बोलते ना, तो दिखेंगे क्या अपने को, तो हम लोग तो लेते हैं, कितने मेगापिक्सल कैमरा लेते हैं, हाँ एग्जैक्टली। अभी मेरे को एक बात और बताओ कि तुम लोग कितने कितने मेगापिक्सल का कैमरा है किसके पास, क्या होता है 50 मेगापिक्सल कैमरे से, एनीवन तुमको पता है मेगापिक्सल मतलब क्या होता है, अच्छा ये इतना बड़ा पोस्टर बना है टीवी जितना, कितना मेगापिक्सल कैमरा लगेगा, नहीं लगेगा, कैमरा लगेगा नहीं लगेगा, ऋषिकेश कैमरा लगेगा करे, लगे लगे कितना मेगापिक्सल लगेगा, अच्छा छोड़ो, 12 हाँ 12 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल कैमरा इसके लिए काफी है, कितना देखो, मेरे पास गूगल पिक्सल 1 था, बहुत बढ़िया आता था उससे, जूम व्हाट इज दैट इज नॉट जूम दैट इज जूम इन, वो डिजिटल जूम होता है, इट्स नॉट अच्छा नहीं होता है। तो क्या होता है हम लोगों को 64, 128 जो मेगापिक्सल बताते हैं वो तुमको बेवकूफ बनाते हैं, तुमको अगर बिल्डिंग के जितना पोस्टर प्रिंट करना होगा तो यू नीड ज्यादा से ज्यादा 64 मेगापिक्सल कैमरा, बिल्डिंग जो अपनी इतनी बड़ी बिल्डिंग है 6 माले की, तो 32 मेगापिक्सल कैमरा लगता है या 64, पर तुमको दैट्स द राइट वर्ड ना, नहीं मेरे मोबाइल में तो 64 मेगापिक्सल कैमरा है, क्या करेगा भाई तू उसका, नहीं अच्छे फोटो आते, कोई फोटो अच्छे नहीं। तो क्या होता है कि तुम्हारे कैमरे की लेंस कितनी अच्छी है, कैमरा कितना अच्छा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है फोटो अच्छे आते कि नहीं अच्छे। तुमने देखा होगा कि आजकल वो 15-16 हजार के भी जो मोबाइल आते हैं उसमें वो 64 मेगापिक्सल कैमरा होता है लेकिन फोटो अच्छे नहीं आते, व्हाई, बिकॉज कैमरे का सेंसर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आईफोन का पुराना 7वां वर्जन भी लेके आओ, आईफोन 6 भी लेके आओ तो बहुत अच्छे फोटो निकलते, व्हाई, कैमरा अच्छा होना, दैट्स अ उसका सोनी का कैमरा होता है, सेंसर्स अच्छे होते लेंस अच्छी होती है। तो देर आर टू टाइप ऑफ जूम, एक होता है डिजिटल जूम जो तुम मोबाइल में ऐसे करके करते हो, तो उसमें क्या कर रहे हो, उसमें तुम ये कर रहे हो, ये फ्रेम इतनी है, तुमने क्या किया ये करते हैं, मतलब डिजिटल जूम है। और दूसरा होता है ऑप्टिकल जूम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या लगानी पड़ती है, कैमरे को लेंस, उसमें क्या चेंज होती है, फोकल लेंथ, सुना है कभी किसी ने, नहीं सुना होगा फोकल लेंथ, कैमरा देखा है, अरे कैमरा देखा कि नहीं, वो तो देखा ही होगा, किसने नहीं देखा कैमरा अभी तक, ये होता है कैमरा, राइट, ये तुम्हारा कैमरा है। व्हाट इज फोकल लेंथ,
ये ऑब्जेक्ट है, तो कोई खड़ा है, तो इसकी फोटो निकालनी है। तो फोकल लेंथ क्या आती है, मतलब यहां से कैमरे तक का डिस्टेंस इज अ फोकल लेंथ, ऐसा ही बोलते हैं ना तुम लोग सभी, श्योर है? नहीं है सिर्फ ऐसे मुंडी बीच में मत हिलाओ, एक तो हाँ बोलो नहीं तो नहीं बोलो। क्या होता है सही बोल रहे कि तुमको लगता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो मैक्सिमम लोगों को ऐसे लगता है फोकल लेंथ, उसका फोकल लेंथ जो होता है ना 100 400, ऐसे बहुत सारी लेंस आती है मालूम है, लेंसेस 1855 100 200 100 800 रहते क्या ऐसे लेंस? फोन कर रहे लेंस होती है, बहुत बड़ी बड़ी लेंसेस होती है, 100 400 ये 100 400 है, तो यहां से 100 800 है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है जहां पे मिरर होता है, मिरर होता है क्या लेंस के अंदर, अभी मिररलेस कैमरा आते तो सेंसर आएगा, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इससे यहां पे जो भी मिरर रहेगा उससे यहां तक का डिस्टेंस, इसीलिए ये एमएम में होता है, किसमें होता है मिलीमीटर में, नहीं तो मीटर में होता ना, इतने बड़े डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट रहता और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग बोलते तो क्या होता। तो हम लोग कभी भी याद रखना कि हमारे लिए डिजिटल जूम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फोकल लेंथ, ऑप्टिकल जूम। तो आजकल कैमरा में ऑप्टिकल जूम भी आते हैं, 2x वगैरह ही रहते हैं, बहुत नहीं रहते पर, क्योंकि उसमें कैमरे में जगह ही नहीं होती ना, कैमरे में जगह होती क्या, इतनी सी जगह है उसमें कितना लगाएंगे। तो आजकल एक्सटर्नल लेंसेज भी आती है, इतनी खास नहीं होती पर काम चलाओ होती है ना। ये सब बताने का रीजन क्या है कि हमको पता होना चाहिए कि लेंस जो हम लोगों को बताया जाता है कि मेगापिक्सल वगैरह जो होता है तो कितना होता है, तो मेगापिक्सल जब तुम ज्यादा यूज करते हो तो ये जो रेजोल्यूशन है ये बढ़ जाता है, ये 300 600, और यहाँ पे ये भी बढ़ जाता है कितना 8400 by 6500 इतना बड़ा इमेज होता है। तब इतना बड़ा इमेज रहेगा तो हमको जूम करने के लिए स्कोप है ना, ऊपर देखो परसेंटेज है क्या, तो ये अगर समझ लो इतने एरिया में कुछ करना है तो इट क्रॉप्स, जैसा इसने बताया कि ये इतने एरिया को क्रॉप कर देगा, तो इसलिए तुम्हारी इमेज भी थोड़ी सी सड़ी हुई आती है जब तुम जूम करते हो, बोलते अरे यार खराब आ गई, कैमरा खराब है फेंक दो नया ले लो, ऐसे होता है क्या, ऐसे आता है क्या तुम्हारा फोटो जब जूम करते हो तब, ऐसे जूम करते तब मोबाइल में करके देखना, अभी नहीं किया होगा मोबाइल का यूज तो एक बार करके देखो। तो ऐसा हम लोग इसमें करते तो ना हो, हम लोग वापस यहाँ जाते अपने, तो जब हमारी जो इमेज है कहाँ गई वो इमेज, ये यहाँ पे हमारी इमेज है, तो यहाँ पे देखो 255 है, रेड के 255 शेड, ग्रीन नहीं है और ब्लू भी नहीं है, तो ठीक इसका उल्टा क्या होगा, सैंड कलर होगा जिसमें दोनों है ये नहीं है। इसके बाद में आता है ग्रीन कलर, ग्रीन का ठीक उल्टा क्या होता है, जिसमें क्या नहीं होता है, ग्रीन नहीं होता है, मैजेंडा है, तो 180 डिग्री में होता है ये, और ब्लू का ठीक उल्टा क्या होता है, येलो होता है। सो ब्लू को अगर कम करना है तो येलो को बढ़ाओ, और येलो को कम करना है तो ब्लू को बढ़ाओ, रेड को कम करना है तो, ये अभी तुमको मैं 2 ही मिनट में समझा रहा हूँ, अगले 2 मिनट में तो मैं यहीं पे जाता हूँ। और एक ह्यू सैचुरेशन नाम का एक टूल है, नाम ही है उसका ह्यू सैचुरेशन, मतलब क्या चेंज करना, कलर चेंज करना, सैचुरेशन मतलब अमाउंट ऑफ कलर चेंज करना, अमाउंट ऑफ कलर इंपॉर्टेंट। देखो तो अभी ये यहां पे चेक करो क्या चेंज किया मैंने, कितने इस पे लेके आया, कुछ चेंज हुआ क्या, क्या चेंज हुआ, रेड किधर गया, 120 डिग्री चेंज हो गया, कितना हुआ, कहां पे गया रेड, ब्लू कहां पे गया, ग्रीन कहां पे गया,
120 डिग्री चेंज किया, 60 डिग्री चेंज करूं तो ये गया ना रेड, रेड कहाँ गया, मैजेंटा कहाँ गया, ब्लू कहाँ गया, साइन ग्रीन पे, ग्रीन येलो पे और येलो घूम रहा है क्या, ये घुमा के देखो ना घूम रहा है, ये क्या करता है कलर्स चेंज करता है, अगर तुमको कलर्स चेंज कर रहे होंगे तो कलर्स चेंज करेगा तो ठीक। किसी ने तुमको बोला कि नहीं यार वो थोड़ा रेडिश लग रहा है, मेरे को थोड़ा सा येलोइश चाहिए, तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, करोगे ना, वो लड़की थी ना कहाँ गई वो लड़की, ये लड़की जिसको हमने सिलेक्ट किया, जिसको हमने सिलेक्ट किया एंड जिसको हमने, अभी मैं उतना डिटेल में सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं जितना तुमने पहले किया था, वो तुमको पता है कैसे सिलेक्ट करना है, किया मास्क किया, मुझे क्या चाहिए उसका, सिर्फ रेड कलर का स्कर्ट चाहिए या कपड़े चाहिए, क्या करेंगे फिर से सिलेक्ट करेंगे आगे क्या, अभी फिलहाल इतना ही करोगे आप, मैं डिटेल में कलर्स कैसे सिलेक्ट करते वो बाद में बताऊंगा, सो डोंट वरी, मुझे क्या करना है सिर्फ, अरे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है, देखो यहां पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एडजस्टमेंट लेयर, हमने सॉलिड देखा था, देखो नीचे ह्यू सैचुरेशन है, जस्ट सिलेक्ट दिस, देखो यहां पे, और इसकी प्रॉपर्टीज आती है, आ गई प्रॉपर्टीज, हो गया क्या चेंज, तो मॉडल जो है वो एक ही बार शूट करती है, मॉडल एक पोज में एक ही बार शूट करती, कलर्स वाह थोड़ा डार्क चाहिए, वाह बोले सर ये लाल बाल अच्छे नहीं लग रहे, कैसे सिलेक्ट करना वो आदमी देखेंगे हम लोग, बट फिलहाल के लिए इजी, वेरी इजी नहीं है, इजी है कह रहे, तो ऐसे कितनी इमेजेस बना सकते तुम, अरे कितनी इमेज बना सकते हैं, freepik.com पे जाओ लॉग इन करो, सर्च सर्च या गूगल पे भी सर्च किया तो चलता है, यहां पे मैं जरा कितनी इमेजेस होनी चाहिए अपने 15-20 कम से कम, 50 किए तो बहुत ही बढ़िया, जिस दिन करोगे उस दिन मैं मान लूंगा तुमको, अपने इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे डालते या नहीं, देखो अभी मुझे क्या सिलेक्ट करना है, साड़ी सिलेक्ट करनी है तो सिर्फ साली साड़ी सिलेक्ट करूंगा, साली नहीं ज्यादा हो जाएगा, ठीक है हो गया क्या सिलेक्ट हो रहा है क्या, बस कुछ नहीं क्विक मास्क किया, मैं सब्जेक्ट को नहीं ले रहा हूं, वैसे सब्जेक्ट को ले भी सकता हूं, लेट्स सी ओके करो, और हाथ और उसको गायब कर दो बालों को, सभी सिलेक्ट किया उसने अच्छे से सिलेक्ट किया, क्या नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए के लिए क्या करते हैं, एक तो यहां पे क्लिक करो और ऑल्ट दबाओगे, गया क्या गया, कंट्रोल प्लस जूम, क्या नहीं चाहिए ऑल्ट, कुछ पोर्शन और भी हो रहा है ठीक ठाक हो रहा है, ये ऐड चाहिए, इतना ऐड करना है ना, कर लिया ऑलमोस्ट हो गया, पैर बाकी है ना, ऑल्ट दबाया, ये चाहिए देख लेने का, शिफ्ट दबा के क्या होता है, थोड़ा ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा करो ब्रैकेट से, सो मेक श्योर इस तरीके से काम, नाउ क्या करेंगे हम लोग, देखो डायरेक्टली मैं इसको कोई मास्क नहीं कर रहा हूं, लड़की को मास्क नहीं कर रहा हूं, देखो
सीधा उठाया और ह्यू सैचुरेशन पे क्लिक कर दिया। कुछ हुआ? कुछ हुआ क्या? सिलेक्शन लेके ह्यू सैचुरेशन पे क्लिक किया तो क्या हुआ? मास्क के साथ ही आ गया। नाउ व्हाट? करो क्लिक। काश रियल जिंदगी में ऐसा होता है, नहीं क्या? हमारे पास कपड़े एक ही होते और हम लोग इतने डिजाइन इतने कलर, यार बोले तू तो पूरा सेट ही खरीद लिया। हाँ खरीद लिया भाई, पैसा बहुत है अपने पास, वो तो निकालो डालो लोगों को दिखाओ, देखो लग रहा है क्या? जस्ट ऑन एंड ऑफ कलर चेंज। नहीं मेरे को दूसरा भी एक कलर चाहिए, तो ये ले लो, ये सेव कर लो, सेव एज। हाँ पूरे 360 डिग्री कुछ भी कर सकते हो। देखो ये तो हो गए, हो रहे ना, पर सिर्फ यही नहीं तो ग्रीन के भी तो शेड्स होते ना, ये भी होते क्या? फिर इसके भी शेड्स, और भी इसके शेड्स। अभी इसके ऊपर हमने वो अभी ब्लैक एंड व्हाइट मतलब कर्व सिखाया नहीं, इसके भी शेड्स बताओ अभी कितने शेड्स कितने क्या, इट्स अप टू यू। तो टाइम लगेगा पर बैठ के क्या करना पड़ेगा, जो कौन करेगा? मैं। कौन? कौन? हम नहीं होता कभी जिंदगी में, जिंदगी में हमेशा क्या होता है? अभी क्या होगा ना कि मैं तुमको बोला, तुमने क्या बोला? हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर कल मैं आऊंगा, फिर तुम कल बोलोगे सर तुमने प्रैक्टिस किया क्या? तुम बोलोगे सर हमने तो हम बोला था, तो वो करने वाला था या वो करने वाली थी, तो मेरे को लगा कि उसने प्रैक्टिस किया होगा इसलिए मैंने नहीं किया। तो जिंदगी में कभी क्या नहीं होता, मैं होता है हम नहीं होता है। हम मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसमें कोई नहीं आता है। मैं आज मीटिंग बैठूंगा, अरे यार कौन कर, अरे वो अपने को वो इम्पोर्टेंट काम करना था, एक कोटेशन भेजना था, हाँ कर लेते ना सर हम, तो सबने अपने अभी आएगा ना श्रावण खत्म होगा तो क्या आता है श्रावण के, नहीं श्रावण जब खत्म होता है कौन से फेस्टिवल को श्रावण खत्म होता है तब कौन रहते हैं, किसकी पूजा करते हैं हम, वो क्या करते हैं तुमको बराबर पता चलता है, वो क्या करते हैं, क्यों हिलाते हैं, क्योंकि हम लोग उसको रस्सी बांध के रखते हैं, तो क्या करते हो ऐसे ऐसे करते, तुम लोग भी क्या करते हो, नहीं करते, नहीं